हाँ जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिए थे, अब हमने मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट करे। और मेटाबॉलिक पाथवेज उनमें जो बुनियादी सबसे ज्यादा है और सेलुलर सेलुलर रिस्पायरेशन की जो फाउंडेशन है वो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस ही पढ़ेंगे और उसके बाद हम मुख्तलिफ और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। लेकिन जो याद रखने की बात है और समझने की, वो ये है कि सेलुलर रिस्पायरेशन की जो फाउंडेशन है वो ये ग्लाइकोलिसिस है। और चाहे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स हों, यूकैरियोट्स हों, हर एक के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये एंशियंट पाथवे है, मोस्ट एंशियंट, सबसे कदीम जो पाथवे है एनर्जी जनरेशन के लिए वो ग्लाइकोलिसिस है। जब अभी ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होना, लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट हो रही थी, तो उस टाइम पे एनर्जी की जो जरूरत थी वो जिस पाथवे से पूरी की जाती थी वो यही ग्लाइकोलिसिस है। और ग्लाइकोलिसिस में हम इसके सारे स्टेप्स देखेंगे। टोटल ये 10 स्टेप्स पे मुश्तमिल एक पाथवे होता है। और ग्लाइकोलिसिस जो है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ग्लाइक मीन ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलिसिस यानी जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किस तरह से होती है, कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कहाँ कहाँ पे किन स्टेप्स पे एनर्जी रिलीज होती है, किन स्टेप्स में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और कौन से इन 10 स्टेप्स में से कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो है उसको रेगुलेट किया जाता है कि ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू करे दा आगे या कंटिन्यू ना करेगा, इसको यहाँ पे रोक दिया जाए या इसको इनिशिएट किया जाए। तो ये किन 3 स्टेप्स पे इसको रेगुलेट किया जाता है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो सारा हम इस पाथवे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दफा स्क्रीन शेयर कर दूँ आपके साथ। हाँ जी, अब स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। ग्लाइकोलिसिस की हम बात कर रहे थे कि इसके बारे में हमने बात की कि इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हर एक में ये हो रही होती है। ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं या एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में हो रही होती है क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड। सबसे जो पहला सेलुलर रिस्पायरेशन का जो एक स्टेप है, एक सबसे पहला पाथवे है, वो यही ग्लाइकोलिसिस है और इसमें ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड। लेकिन इसके बाद जो इससे प्रोडक्ट बनती है, यानी कि ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है और इससे एनर्जी के एनर्जी रिलीज होती है और जो एक रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आपके पास आता है पाइरूवेट, 2 पाइरूवेट हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलते हैं क्योंकि ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और जो पाइरूवेट है वो 3 कार्बन पे कंसिस्ट करता है। और हमें पता है कि जो मैटर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज। अब ये रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे नहीं हो रहा कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल से कोई बीच में से कार्बन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और हमें एंड पे सिर्फ 3 कार्बन मिल रहा है। नहीं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो रहा है लेकिन 2-3 कार्बन पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरह 6 कार्बन टोटल होते हैं, यानी 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल होंगे, हर एक पाइरूवेट 3 कार्बन पे कंसिस्ट करता है और ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन पे कंसिस्ट करता था, इसकी ब्रेकडाउन से हमें 3 कार्बन पे मुश्तमिल 2 मॉलिक्यूल हमें हासिल होते हैं। ठीक है, और उनका नाम है पाइरूवेट। अब पाइरूवेट जब आगे सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज होगा, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, अबंडेंट एनर्जी रिलीज करता है और उस दौरान हमें सेलुलर रिस्पायरेशन के अगले जो स्टेप्स हैं, अगले पाथवेज हैं जहाँ इस पाइरूवेट ने ऑक्सीडाइज होना है, वहां पे जाके फिर हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड, इसी वजह से जो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एनर्जी लेते हैं इसी ग्लाइकोलिसिस से और वो पाइरूवेट को भी आगे ऑक्सीडाइज करते हैं। पाइरूवेट को ऑक्सीडाइज नहीं करते बल्कि पाइरूवेट को भी इससे भी एनर्जी आगे यील्ड करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन हो तो फिर एरोबिक रिस्पायरेशन में जाके पाइरूवेट ऑक्सीडाइज होता है
अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर इसकी कम्प्लीटली कम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। फिर ये होता है कि इसकी फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन फिर दो किस्म की हो सकती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो सकती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकती है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ के अंदर जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है। ठीक है, और अगर आप अपने मसल्स की बात करते हैं तो वहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होती बल्कि वहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। यानी पाइरूवेट जो है इसके आगे मजीद इसके मेटाबॉलिज्म से हमें जो एनर्जी इससे रिलीज होती है तो साथ ही लैक्टिक एसिड भी बनता है। अगर पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो और साथ कुछ एनर्जी रिलीज हो तो उसको हम कहते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल्स में होती है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है पाइरूवेट का अल्कोहल में कन्वर्ट होना और साथ ही एनर्जी का रिलीज होना तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि यीस्ट में जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो पाइरूवेट है वो हमें ग्लूकोज से ऑब्टेन होता है और फिर हम इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो वहां पे इससे अच्छी खासी एनर्जी इससे ऑब्टेन करते हैं, जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनएरोबिक इसकी फर्मेंटेशन करते हैं वो भी इससे थोड़ी बहुत, यानी कि अगर आप एरोबिक रिस्पिरेशन से इसका कंपैरिजन करें तो ये तो ना होने के बराबर होती है, क्योंकि उससे अच्छे खासे एटीपी हमें जनरेट होते हैं। यानी एंड प्रोडक्ट काफी सारे पाथवेज आते हैं, पाइरूवेट कन्वर्ट होता होता क्रेब्स साइकिल आएगा, उसके बाद अगला पाथवे आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है और इस तरह हमें एंड पे जाके ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। सिर्फ कोई एक पाथवे नहीं है, ठीक है, वो मुख्तलिफ पाथवेज हम सारे पढ़ेंगे वो साइकिल। लेकिन अभी जो हमारा सबसे पहले हमने जो सेलुलर रिस्पिरेशन का पाथवे पढ़ना है वो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़नी है। ये एक सिंप्लीफाइड रिएक्शन आपके सामने है ग्लाइकोलाइसिस का, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में और इस दौरान 2 ATP रिलीज होते हैं। लेकिन जब हम इसके आगे रिएक्शंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल जो है वो 4 ATPs रिलीज होते हैं, लेकिन चूंकि 2 ATPs जो है वो इसी रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल हो जाते हैं तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि जो हमें गेन होता है ATP जो हमें ऑब्टेन होते हैं वो 2 है। ठीक है, तो यानी कि नेट यील्ड अगर आप कहें तो वो 2 ATP होंगे। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या है, जैसे हम कहते हैं कि सेलुलर रिस्पिरेशन जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, फिर इसी तरह हम क्रेब्स साइकिल की लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप वो प्लांट सेल्स की जब हम बात करते थे तो जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते तो हम लोकेशन की बात करते हैं कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है। इसी तरह जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो होता है साइटोसोल में। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रही होती है तो इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ये प्रोसेस हो रहा होता है साइटोसोल में। अच्छा, मैंने रेप्लिकेशन का जाहिर है कि ये कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस तो नहीं है, कोई रिस्पिरेशन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक लोकेशन के हवाले से एक बात है कि हर प्रोसेस जो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है, उससे जो उस प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स होते हैं वो भी उसी एक ऑर्गेनेल के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर भी की है कि एरोबिक और एनएरोबिक में ये आगे मेटाबोलाइज होता है पाइरूवेट और इसकी फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ये हमारा अब स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले जो एक चीज है कॉन्सेप्ट आपने अपने ज़हन में रखना है वो ये कि जहां पे भी काइनेज वर्ड यूज होगा ए से तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एंजाइम की बात हो रही है, लेकिन काइनेज जहां पे भी आता है ये एंजाइम जो है ये फास्फोराइलेशन के लिए फास्फोराइलेशन वाले जो रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करता है।
यानी फास्फेट बांड जो है उसकी फॉर्मेशन या फास्फेट बांड की ब्रेकडाउन में काइनेजेस जो हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, तो काइनेजेस जो है वो फास्फोराइलेशन वाले जो रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करते हैं। अब यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि कौन कौन से 10 स्टेप्स में एंजाइम्स हैं। ठीक है, हमारी मीटिंग का ये लास्ट मिनट चल रहा है, मैं अगली मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, उसमें फिर हम ये पाथवे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मीटिंग एंड हो रही है, ये रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप करी, फिर ये पाथवे हम अगली रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करें।